वैसे तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के उन 26 दलों में शामिल है जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव में हम इकला चलेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ लड़ेंगे। केजरीवाल की पार्टी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की जो कलह शुरू हुई वो अभी थमी भी नहीं थी कि आम आदमी पार्टी ने एक और राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया जो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकता है। वो कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल शनिवार को आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर बिहार संगठन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने भविष्य में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब संदीप पाठक के इसी बयान के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार की दोनों पार्टियां यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी की तरफ से बयानबाजी भी आनी शुरू हो गई है। एक तरफ आरजेडी ने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले बिहार में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उन्हें आड़े हाथों लेते हुए सिद्धांत का पाठ पढ़ा दिया, तो वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू ने ये कह दिया कि हर पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है। संजय सिंह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम एक साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, कहीं मतभेद नहीं है। देखिए, पता नहीं किसने ये बयान दिया है आम आदमी पार्टी की ओर से। मेरा मानना है कि चलिए आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी बयान दे दें, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ रही थी और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी और उन मर्यादाओं पर थोड़ा विशद विश्लेषण भी हुआ था, बातचीत हुई थी। मुझको लगता है कि बयानों के इतर वो उस मर्यादा का पालन करेंगे। लगातार बयान इस टाइप के आ रहे हैं, जबकि बिहार प्रदेश का चुनाव अभी 2025 में, उससे पहले पार्लियामेंट की चुनाव है, अभी वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर भी वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। इन सभी बातों पर मुझे लगता है कि बॉम्बे वाली बैठक में, आईएनडीए के बैठक में इस पर जरूर कोई न कोई निष्कर्ष, निर्णय बड़े नेता लेंगे कि इस प्रकार गठबंधन में रहकर अन्य राज्यों में एक दूसरे से अगर हम लड़ेंगे तो ये फिर आईएनडीए का जो मौजूदा स्थित है उसके ऊपर एक सवालिया निशान बन जाता है कि आखिर हम सब एक, सभी विपक्षों को एक करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा प्रयास किया, माननीय नीतीश जी ने। तो इसलिए उस बैठक में मुझे लगता है कि ये सभी दलों के लोग कोई न कोई एक निर्णय पर आएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब बिहार में चुनाव लड़ने का ये ऐलान आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन से अलग थलग कर देगा। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ये बयान इंडिया में दरार डाल देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।